हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, मिसेस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड द ग्लास जार्स आर ऑन टॉप लेयर देयर आर 3 jars एंड इन नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 jars एंड थर्ड लेयर देयर आर 9 jars एंड सो ऑन टिल 8th layer। मतलब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये AP मतलब चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है बेटा, अगर हमें इसने फर्स्ट टॉप लेयर पे बोला, टॉप लेयर पे 3 jar हैं, ठीक है, उसके बाद 6 jar, उसके बाद यहाँ पे 9 jar आ रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ लेयर्स बन रही हैं आपके पास। फिर यहाँ पे ये बोला गया है टिल सो ऑन 8th layer तक है, यहाँ पे ये क्या है 8th layer तक आपके पास जार का कुछ पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी के बेस पे राइट एंड AP हूज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स आल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बोल दिया है कि हमें AP सीक्वेंस जो है इसका फॉर्म करना है और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। फर्स्ट हमारे पास अगर हम इसका AP सीक्वेंस बनाएं तो हमारे पास सीधा बन रहा है 3, 6, 9 सो ऑन टिल 8th layer तक ये बोला गया है, ठीक है। तो हमें 8th layer फाइंड करने के लिए अभी नहीं बोला गया, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ये A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा और ये A3 आपके पास आ गया, क्लियर है बेटा। अब आप क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर A1 3 है, A2 ये है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा D आ जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, 6 - 3 = 3 आपके पास AP आ गया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 jars इफ़ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। तो ये क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि हमारे पास 34 jars का ऐसे पैटर्न बन सकता है। इट मीन्स हमें ये बोल रहा है कि 34 जो है हमारे पास जार्स का पैटर्न बन सकता है, मतलब 34 आपके पास ये टर्म हो सकती है कोई, तो ये चेक करेंगे आप। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास nth टर्म ले लेते हैं 34, ठीक है। nth टर्म आपने लेट कर लिया, हमारे पास क्या है 34, ओके। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 और आ जाएगा यहाँ पे d। तो वैल्यू पुट किया आपने 34 = a आपके पास 3 है प्लस n आपके पास नहीं दिया गया, d आपके पास 3 आ गया, ओके बेटा। 34 - 3 = n - 1 और ये 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 31, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, n - 1 आ गया आपके पास, ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे 31 - 3 है, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ओके। तो आप LCM ले लेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, 31 3 और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 34/3। तो मतलब कि n जो है हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, ऑड इवन है, ठीक है। तो मतलब हमारा नंबर जो है पॉइंट में आ रहा है। इट मीन्स आप लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्लियर है बेटा। चलिए अब आप करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट आपके पास बोला गया है इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड एक्सप्रेशन। आपको बोला गया है, अभी आपके पास यहाँ पे 8th layer तक बोला, अब बोला गया है n नंबर ऑफ रोज हैं, तो आपको इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, हैंस फाइंड S8 और साथ में S8 फाइंड करना है। तो अभी आप कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट, ओके। अब हमें जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो क्या दिया गया है, n दिया गया है, नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, n है। तो मतलब Sn हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1d। तो हमारे पास n जो है यहाँ पे n ही है,
और ए की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस एन माइनस 1 डी है आपके पास 3, तो ये आ जाएगा एन बाई 2 6 प्लस 3 एन माइनस 3 आपने मल्टीप्लाई किया, एन बाई 2 3 आ गया आपके पास प्लस 3 एन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया एन बाय 2, 3 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया आपके पास 1 प्लस एन, ओके। अब आपको नेक्स्ट जो है फाइंड करना है S8, तो S8 के लिए हमारे पास आ जाएगा n जो है वो 8 है आप, तो S8 इज इक्वल टू 8 बाय 2 मल्टीप्लाई में आपका 3 चल रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 8 और ये आ जाएगा 4, 3 जा 12 मल्टीप्लाई में 9, तो मतलब S8 है आपके पास 108, ठीक है। अब आपको करना है फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व, तो द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मैनी जार्स इन फिफ्थ लेयर, तो आपके पास आ रहा है ये फोर्थ पार्ट, कुछ नहीं बोला यहाँ पे, जो हमारे पास फर्स्ट लेयर में 3 जार थे, सेकंड में 6 थे, अब आपको 3 जार्स जो हैं हर लेयर में ऐड करने हैं, तो आप लिखेंगे व्हेन 3 जार्स एडेड इन ईच लेयर, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा ये एपी सीक्वेंस, ये बनेगा 6 9 12 सो ऑन, ठीक है। फिर हमें ये बोला गया है उस टाइम हमारे पास फिफ्थ लेयर पे कितने जार होंगे, तो हमें A5 निकालना है, A5 के लिए आ जाएगा A प्लस 4D, तो A हमारा 6 है, 4D हमारे पास 3 है, क्योंकि D यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 माइनस 6 क्या आएगा 3 ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 4 3 जा 12, तो ये आ गया 18, ठीक है।